हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इस समय पर जो खान सर की जो कंट्रोवर्सी इस टाइम पर चल रही है, नाम के पीछे और सब जगहों पर, मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, दो चार दिन शायद हो गए हैं, दो तीन दिन। तो मैं क्या, मेरे को अपने मेरे स्टाफ ने बताया कि सर, खान सर जो है काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव फैकल्टी हैं, उनका जो है एक कंट्रोवर्सी नाम को लेकर चल रही है। क्या ये सच बात है कि उनका सही नाम है या गलत नाम है या कुछ इस तरीके से? तो दोस्तों, यहाँ हालांकि मैं कंट्रोवर्सी से कोशिश करता हूँ, मैं क्या मेरे जैसे जितने भी हैं वो सारे के सारे कंट्रोवर्सी से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ असलियत में मामला सिर्फ नाम से रिलेटेड का नहीं है, यहाँ मामला देश का है। और देश के मामले में अगर हम नहीं बोले तो आने वाले समय के अंदर हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो ये कभी ना कभी तो हमसे पूछेंगी कि आपने ऐसा क्या किया जब सब कुछ हिंदुस्तान, सब सारा हिंदुस्तान लुट रहा था, तब आपने क्या किया। और अगर हम थोड़ा सा कुछ बच्चों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को अपने साथ अगर लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ उनको कम से कम सही बात बताना, उन तक अपनी सही बात पहुँचाना एक सबसे मेन बात है। तो असलियत में दोस्तों, अगर खान सर की पूरी कंट्रोवर्सी को आप लोग देखते हैं, तो कंट्रोवर्सी के पीछे अगर आप लॉजिक समझोगे तो कुछ और ही खेल है जो हमारे नेताओं ने गेम प्लान कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक रिस्पॉन्ड है और वो हमारी एक जनता का माइंडसेट अपना हम लोगों को बता रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में हम इसी चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि असलियत में मामला क्या है और किस तरीके से हमारा ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा है कि हम लोग जो हैं सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो हमारे दिमाग में है, उसके अलावा हम कुछ सुनना नहीं चाहते। और अगर हमने हमारे को ऐसा कुछ उल्टा सीधा सुनाई दिया तो हम अपने आप, हमारे अंदर एक वॉरियर वाली फीलिंग जाग जाती है और उस वॉरियर वाली फीलिंग का अगला असर ये होता है कि हमारे ऊपर कम से कम वर्बल अटैक होने शुरू, हम वर्बल अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ शुरू से मैंने काफ़ी, मेरे खिलाफ भी कई बार होती है कि जब मैं बुरके के बारे में कुछ बोलता हूँ, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, या तीन तलाक के मामले में बोलता हूँ पक्ष में या विपक्ष में, या राम मंदिर के मामले में बोलता हूँ पक्ष में विपक्ष में, तो पूरे के पूरे कमेंट बॉक्स में दो ग्रुप्स, इसराइल फिलिस्तीन के मामले में बोलता हूँ तो यहाँ असलियत में दो ग्रुप्स बनते हुए मेरी स्क्रीन पे, मेरी जो कमेंट बॉक्स है उसमें नज़र आ जाते हैं। एक अपने आप को जो है वो प्रो नेशनलिस्ट बताएगा और एक वो होगा जो मेरा सपोर्टर है और दूसरा वो होगा जो मेरा विरोध कर रहा है। और मजे की बात ये कि एक वीडियो में जो सपोर्टर है अगले वीडियो में वही विरोधी नजर आएगा और अभी जो विरोधी है वो सपोर्टर नजर आएगा। असलियत में खेल क्या है, या खेला जिसे आजकल ये वर्ड यूज हो रहा है, ये क्या है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। खान सर का मामला अगर आप देखेंगे तो खान सर के मामले में उनके नाम को लेकर असलियत में मामला है कि भैया खान सर का नाम जो है वो कोई मुस्लिम नेम है या फिर अमित सिंह है, बैंक में उनका अमित सिंह, छोटी छोटी क्लिप्स भी एक दो फिर दिखाई गई कि सर ये मामला है। सवाल खान सर के नाम का नहीं है, सवाल असलियत में खान सर के नाम का नहीं है, ये तो उस सवाल का बाय प्रोडक्ट है। सवाल हमारी भारतीय समाज का है, सवाल इंडियन सोसाइटी का हो चुका है, एक इस इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट क्या है, इसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस माइंडसेट को अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे आने वाला भविष्य पाकिस्तान जैसा होगा, भारत का भी, ये समझ लीजिए। भारत का जो भविष्य है वो पाकिस्तान जैसा होगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि खान सर के नाम में भारत का भविष्य छिपा है। खान सर के नाम में भारत का भविष्य किस तरीके से छिपा है समझ लीजिए, क्योंकि नाम में चाहे खान सर हो चाहे अमित सर हो, अमित सिंह हो, यहीं पर सारा का सारा कलेश शुरू हो रखा है। तो समझिए मामला क्या है। मामला दोस्तों असलियत में ये हमारे भारतीयों के माइंडसेट का है जो हमारे पॉलिटिशियंस ने बना रखा है। अगर आप हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद के सबसे मशहूर हीरो दिलीप कुमार की बात अगर करें, दिलीप कुमार, तो दिलीप कुमार की खास बात दोस्तों ये है कि दिलीप कुमार जी जो हैं वो असलियत में मुस्लिम थे और उनका नाम शायद यूसुफ खान था। वहाँ 1950-1960 के दशक में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक मुस्लिम को अपना नाम बदलकर एक हिंदू नाम रखना पड़ा, वो असलियत में सोसाइटी के माइंडसेट को बताता है। सोसाइटी का माइंडसेट ये बताता है कि उस टाइम पर पार्टीशन यानी कि बंटवारा हुआ था और उस टाइम पर सोशल मीडिया वगैरह तो होता नहीं था और बहुत कम लोगों को पता होता था कि ये एक मुस्लिम है और पत्र, मतलब अखबारों में भी ये बहुत ज़्यादा खबरें नहीं छपती थी या एक र्यूमर यानी अफवाह की फॉर्म में ले ली जाती थी। तो सोसाइटी का माइंडसेट पार्टीशन की वजह से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम या कॉम्यूनल था
और इस कॉम्यूनल के अंदर अपने भविष्य को बनाने के लिए उन्होंने अपना एक हिंदू नाम रखा और उस हिंदू नाम की वजह से लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया। हालांकि उसमें जो अभिनय है उसकी भी कोई दो राय नहीं, अल्टीमेट लेवल की उनकी एक्टिंग होती थी, सब चीज़ें होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं नाम वहां पर फैक्टर था। लेकिन जैसे ही अगर आप 1970s, 1980s और 1990s की बात करोगे और 2010 तक का और 2010 तक का पूरा माहौल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक एक रिलीजियस हारमोनी दिखाई देती है। और उस रिलीजियस हारमोनी का सबसे मेन एग्जांपल ये है कि अगर आप फिरोज़ खान को देखोगे, अगर आप संजय खान को देखोगे, अगर आप शाहरुख खान को देखोगे, सलमान खान को देखोगे, आमिर खान को देखोगे, फरदीन खान को देखोगे, तो सीरीज़ के अंदर बहुत सारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखोगे, इरफान खान को देखोगे, वो एक वो है क्या नाम है, ब्लैक बर्ड नाम की एक सीरीज़ देखी थी, उसमें इमरान हाशमी को देखोगे, ऐसे आपके पास एक लंबी सीरीज़ मिलेगी जो मुस्लिम्स हैं और उनको लोगों ने सर आँखों पर बिठाया। तो ये एक फेज़ मोटे तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये जो पूरी की पूरी जमात है, ये जो पूरे के पूरे लोग आ रहे हैं, पूरी ये जो एक सीरीज आ रही है, वो असलियत में आपकी धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक सामंजस्य को बता रही है कि हाँ भाई ये रिलीजियस हार्मनी थी। अब क्योंकि ये एक रिलीजियस हार्मनी थी और इस रिलीजियस हार्मनी के चलते अब एक मुसलमान को हिंदुस्तान में काम करने के लिए अपना नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और यही कारण है कि सलीम जावेद और क्या नाम है, बहुत सारे दूसरे स्टोरी राइटर्स म्यूजिशियंस जो हैं वो मुस्लिम निकले और लोगों ने उनके नाम के साथ उनको एक्सेप्ट किया। अब यहाँ अच्छा, इनकी एक खास बात और थी, ये भी जितने भी ये मुस्लिम लीडर्स और ये मुस्लिम अभिनेता नेता होते थे, यहाँ पर आप शाहरुख खान को देखेंगे तो इसके घर में गणेश की भी पूजा होती हुई दिखाई देगी और अल्लाह की इबादत होती हुई भी दिखाई देगी। सलमान खान गणेश उत्सव के अंदर तो खुल के साफ जो है सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। आमिर खान भी शुरुआत के अंदर अभी थोड़े से आरोप ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन फिर भी एक सेक्युलरिज्म की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और बाकियों को भी, इमरान खान थे वो जो अभी पिछले साल एक्सपायर हुए हैं, अगर उनको देखा जाए जो पान सिंह तोमर मूवी में आए थे, उनको देखा जाए तो वो एक बार मौलाना से भिड़ते हुए नज़र आए कि तुम जो है पूरे इस्लाम को मिसगाइड कर रहे हो, यह सब चीज़ें। तो यहाँ इन लोगों का इम्प्रेशन भी एक तरीके का इस तरीके से था कि न्यूट्रल टू सोसाइटीज रिलीजन, ये सोसाइटी के रिलीजन के प्रति बिल्कुल न्यूट्रल थे, यानी ये मानकर चला जाए कि न्यूट्रल हैं और ये मानकर चला जाए कि इनका जो रिलीजन है वो पर्सनल जो भी हो लेकिन प्रोफेशन या सोसाइटी के मामले में वो न्यूट्रल है। और असलियत में किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी की सबसे बड़ी ज़रूरत यही होती है कि अगर आप किसी भी इंसान को से अगर आप मिलते हैं, किसी भी पर्सन से आप मिलते हैं, तो असलियत में आपका उससे मिलने का क्राइटेरिया, जो मीटिंग क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। देखो ये सिर्फ खान साहब के जो मामला है उसकी बात नहीं है, ये सोसाइटी के माइंडसेट की बात है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीटिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, आप उसे समझें। असलियत में दोस्तों यहाँ अगर मीटिंग का क्राइटेरिया उसकी क्वालिफिकेशन है, मीटिंग का क्राइटेरिया उसकी नॉलेज है, उसका मीटिंग का क्राइटेरिया उसकी अचीवमेंट है कोई, और उसकी अचीवमेंट यानी कोई उपलब्धि है, और उसकी मीटिंग का क्राइटेरिया कुछ अगर आप देखें तो क्या नाम है, उसकी पर्सनैलिटी है, जो भी है, अगर उससे आप मिल रहे हैं और उसकी मीटिंग का क्राइटेरिया उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज, उसकी अचीवमेंट, पर्सनैलिटी, उसकी सर्विस ये हो, तो यकीन मानिए आप प्रोग्रेसिव हैं। लेकिन अगर आप किसी भी, और आप प्रोग्रेसिव हैं और उसकी बात को ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग अगर आप टेस्ट कर पा रहे हैं, तर्क विवेक की शक्ति, तथ्यों की शक्ति के ऊपर
आप इसको जज कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप प्रोग्रेसिव हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप मॉडर्न मैन हैं। आप मॉडर्न मैन हैं या आप 21st सेंचुरी के अंदर जेन्युइनली 21st सेंचुरी में रहने लायक इंसान है, रहने वाले इंसान हैं। वहीं समस्या यहीं पर यह है कि अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, मुझे बड़ा बुरा लगता है सलमान खान की मूवी रिलीज हो रही है आप नहीं जाएं, क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम है। अबे गधों, असलियत में वो मुस्लिम है तो क्या हुआ जब वो गणेश उत्सव के अंदर खड़ा होता है या हिंदू घरों हिंदू लड़की से शादी, उनके भाई हिंदू लड़की से शादी कर रहे हैं, उनकी बहन हिंदुओं के घर में जा रही है, तो उसमें फर्क क्या रह गया? वहां वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी है कि भैया धर्म जो है वो टोटली एक पर्सनल इशू है, व्यक्तिगत मामला है। मैं अपने घर के अंदर अपने कौन से देवी देवता या आराध्य की पूजा करता हूं या इबादत करता हूं वो मेरा मामला है। अब भाई मैं हूं, अगर सुबह उठ के मैं हनुमान जी के सामने माथा टेकता हूं, खाटू श्याम जी के सामने माथा टेकता हूं, तो मेरा इच्छा है। मेरी माता जी जो है वो क्या नाम है, हमारे खाटू श्याम जी की पूजा करती है और माता रानी में भरोसा करती है, तो वो उनका मानना है। छोटे भाई साहब सुबह उठ के कोई इबादत वगैरह नहीं करते, अपना एक्सरसाइज वगैरह किया निकल लिए, वाइफ हैं उनकी इच्छा दूसरी है कि वो किसी आराध्य में भरोसा करते हैं, और छोटे भाई की वाइफ है वो किसी आराध्य में भरोसा करते हैं। अब जो नहीं कर रहा उसके साथ भी कोई समस्या नहीं, यही तो आपका हिंदुइज्म है, यही तो आपकी समानता है, और यही इस्लाम भी कहता है कि इस्लाम का कन्वर्जन का मतलब है अपने आप को बदलो और उन सिद्धांतों पर चलो जो आपको कुरान में लिख के दिए। और मजे की बात यह है, कुरान के जो बेसिक सिद्धांत हैं वही आपके वेद में है, वेदों में है, वही बाइबल में है, वही उपनिषद में है, वही बौद्ध धर्म में है, वही जैन धर्म में है। उनका मामला है असलियत में सेंसेस को, सेंस को कॉन्साइंस में बदलना। यस, सेंसेस को कॉन्साइंस में बदलना। जो असलियत में इंद्रिय हैं, इंद्रियां हैं, उन्हें चेतना में बदलना, अपने आप में नियंत्रण करके अनुशासनात्मक या अनुशासन का जीवन जीना, वही तो है धर्म परिवर्तन। अब समाज में तुम कलमा पढ़ने लग जाओ या तुम पूजा करने लग जाओ उससे हिंदू मुस्लिम थोड़ा ना, लेकिन असलियत में पर्सनल मामला तो कुछ रहा ही नहीं। और इंसान जो है वो किसी मूवी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि उसका मेन हीरो हिंदू है, भले ही उसकी 95% बाकी लोग जो हैं, सॉरी मेन हीरो मुस्लिम है, भले ही उसके 95% लोग हिंदू हो। वहीं एक जैसे मान लिया मुस्लिम समाज भी है। अब मैं बड़ा अचंभित होता हूं जब ये देखता हूं कि सलमान खान अपनी मूवी ईद पे रिलीज करते हैं, ईद पर जिस दिन ईद से 2-3 दिन पहले है तो वो 2-3 दिन पहले से भीड़ होनी शुरू होती है और अगले 3-4 दिन तक हॉल के अंदर जो भीड़ है वो जनरली मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे ज्यादा होती है कि सलमान भाई की फिल्म रिलीज हुई है। और मैं उनको भी यही मानता हूं कि हिंदू समाज अगर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की मूवी इसलिए रिजेक्ट करता है, इसलिए रिजेक्ट करता है कि वो मुसलमान है, तो मुसलमान भी इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं कि वो मुसलमान है। तो यार यहां तो दोनों के दोनों एक समान है ना, चाहे वो रिजेक्ट कर रहे हैं चाहे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों मोटी बुद्धि हैं। और क्या, एक सल्लू भाई या सल्लू मियां की फिल्म या मियां के नाम पर जा रहे हैं और अक्षय कुमार की इसलिए नहीं देख रहे कि वो हिंदू है, और दूसरे वाला मुसलमान की इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि वो मुसलमान है। तो अबे गधे हो तुम लोग, ये सब नहीं समझ रहे कि अगर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की कोई मूवी बनती है तो उसमें 95% स्टार कास्ट हिंदू होती है, और वहीं पर अगर अक्षय कुमार की भी कोई मूवी बनती है तो उसकी भी एक बड़ी स्टार कास्ट परसेंटेज को अगर ना भी देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 10% जो स्टार कास्ट है या 10% उसमें काम करने वाले छोटे बड़े हैं वो मुस्लिम है। एक अंग्रेज का एक हीरो के चेहरे पे फिल्म चल रही है वो एक अलग मैटर है, लेकिन काम करने वाले तो हजारों हैं, सैकड़ों हैं। अब ये तो किसी को दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि नैरो मेंटालिटी है, नैरो मेंटालिटी है। नैरो मेंटालिटी का मतलब छोटी बुद्धि है, छोटा दिमाग है, मानसिकता छोटी है। छोटी बुद्धि, छोटा दिमाग, मानसिकता छोटी होने की वजह से क्या है, हम लोगों की जो नैरो थिंकिंग हो चुकी है, नैरो थिंकिंग हो चुकी है। अब ये नैरो थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं नॉलेज को, कहीं ना कहीं टैलेंट को, कहीं ना कहीं क्वालिटी को, समझे, इन सबको सेकेंडरी कर दिया,
इन सब को सेकेंडरी कर दिया और उठाकर सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, और सिर्फ रिलीजन ही नहीं है, यहां पर रेस भी है, यहां पर कास्ट भी है, यहां पर क्लैन भी है, इन सब को प्राइमरी कर दिया। और एग्जांपल आपके यहां भरे पड़े हैं एग्जांपल। इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले इसके पीछे रीजन देखो, रीजन है पॉलिटिक्स। और मजे की बात, इसमें दुनिया हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन दूध का धुला नहीं है। हर पॉलिटिशियन के ऊपर आरोप है, हर किसी के ऊपर यह आरोप है कि साले तूने है ना अपनी फायदे के लिए समाज को बांटा है, बर्बाद किया है। कैसे? अगर आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, मान लिया सबसे पुरानी पार्टी को सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस। अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिखों के नरसंहार, सिख मसैकर से लेकर कहीं ना कहीं कन्वर्ज, जो क्या नाम है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति। और अपीजमेंट कैसे? अपीजमेंट ऐसे कि आप गोधरा को तो 20 साल से गा रहे हो, लेकिन जैसे ही मुजफ्फरनगर का नाम आता है, भागलपुर का नाम आता है, या दूसरी किसी जगह का नाम आता है, तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। और सबसे ज्यादा अपने जो राहुल गांधी हैं, इन सबको, इनको अगर देखा जाए, जब वो जनेऊ दिखा रहे होते हैं तो वो और मंदिर मंदिर जा रहे होते हैं, और केवल और केवल अगर आप देखें, तो यहां पर मंदिर मंदिर जा रहे होते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे ही मंदिर दिखाई देंगे। और उसके साथ साथ अगर प्रियंका वाड्रा को देखें तो वो अपने आपके अपने नाम के आगे प्रियंका गांधी, और रेहान वाड्रा के नाम को भी गांधी बनाकर रेहान गांधी बना रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की धर्म की राजनीति ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वाड्रा नाम छिपा रहे हैं तो वो भी एक तरीके की धर्म की राजनीति है, धर्म की राजनीति है। और असलियत में जब आप धर्म की राजनीति करते हो तो आप डिवाइडिंग द सोसाइटी की बात करते हो, डिवाइडिंग द सोसाइटी, समाज को विभाजित करने की बात करते हो। अब आप दूसरा एग्जांपल देंगे केजरीवाल का। सबसे, यकीन मानिए, सबसे ज्यादा नफरत अगर मुझे हिंदुस्तान की राजनीति में किसी के साथ है तो ओपन इसके साथ है। उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण यह है कि जब यह कमीनापन पे आता है तो इससे ज्यादा घटियापन कोई भी पॉलिटिशियन नहीं दिखाता। कारण भाई, सीधी सी बात यह है, अभी जिस तरीके से अभी एक डॉक्टर की मौत हुई, अभी जो अप्रोक्सीमेट जो भी है कि अप्रोक्सीमेट 100 डॉक्टर जो हैं वो दिल्ली में एक्सपायर हुए हैं लोगों की सर्विसेज करते हुए, और सिर्फ एक के घर जाना, बाकी सबको इग्नोर कर देना और उसको चेक देकर फोटो खिंचवाने का मतलब यह है कि यहां असलियत में पॉलिटिक्स खेली जा रही है और धर्म के नाम की पॉलिटिक्स है। और ये इसलिए जानबूझकर एक समाज को ये दिखाना कि मैंने तुम्हारा कितना सम्मान किया, और दूसरे समाज को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की जगह उसकी नियत पता है कि भैया उसे फ्री का बिजली पानी दे के काम चला लेंगे, इनको फ्री का बिजली पानी दे के, मुस्लिम्स को फ्री का बिजली पानी से काम नहीं चलेगा, इनके साथ हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे दिखाया जाए। अब नतीजा क्या होता है? इसने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मैं मानता हूं घटिया आदमी है और कर लेगा केस जो करना होगा, देख लूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, जेल जाने के लिए तैयार हूं। सबसे घटिया आदमी यह है भारतीय राजनीति का, जितनी गंदी ओपन पॉलिटिक्स ये करता है, बाकी छुपा छुपू के कर रहे होते हैं, तो ओपन करता है, ओपन करता है। और ये आज का नहीं है, अखलाक अहमद की जब डेथ हुई बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद जब पंकज नारंग की डेथ हुई तो उसे सिंपली रोड रेज का नाम दे दिया। तो ये तो गलत है ना। अखलाक एक यूपी के गांव में था, वहां आप गए हैं, लेकिन उसी के पड़ोस में जब आप भरत यादव की डेथ को देखते हैं तो वहां आप नहीं जाते कि वो तो रोड रेज का मामला था, आपसी झगड़ा था। तो असलियत में मामले को अगर आप देखेंगे तो सब चीजों के अंदर ओपन, जब आप राजनीति कर रहे होते हो तो असलियत में आपने लोगों की सोच को बना दिया कि धर्म के नाम पर ही आप इकट्ठा कर सकते हो। ना ही इसमें मायावती को आप कुछ कह सकते, मायावती को कुछ कह सकते कि उसको भी स्पेयर आउट नहीं कर सकते जब आप जाति की राजनीति करते हैं, या साफ जब ये नारा लगाते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, उसको मारो उनको मारो जूते चार, जब आप ये नारा लगा रहे होते तो असलियत में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो बाद में आया है,
पहले तो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के जब नारे लगाए गए तो असलियत में मायावती। इसी तरीके से मुलायम सिंह का जो एम वाई कॉम्बिनेशन है, लालू प्रसाद यादव का जो एम वाई कॉम्बिनेशन है, ये जो है ये धर्म और जाति, जाति के नाम पर सबसे ज्यादा बांट रहे हैं और धर्म के नाम पर वोटों को। मुलायम सिंह यादव को अगर आप इकट्ठा करके देखेंगे तो पिछले 1985 के बाद से लगातार जब इसने 84 कोसी यात्रा के अंदर 85 या 89 साधुओं को गोली से मरवा दिया था, उन साधुओं को जब गोली से मरवाया तो उसके बाद 85 से लेकर आज तक जब भी इलेक्शंस होते हैं यूपी के हुए केंद्र में हुए, हमेशा एक बयान इनका जरूर आता है कि मैंने अपने भाइयों को बचाने के लिए 85 साधुओं तक को गोली मरवा दी, याद है ना। जब ये चीज याद करवाई जाती है तो उनको याद करवाया जाता है कि तुम्हारे धर्म का रक्षक मैं हूं इसलिए मुझे वोट दो। असलियत में उन लोगों के दिमाग में वो जो जहर था, इसमें बीजेपी को आप स्पेयर आउट नहीं कर सकते। जब आप रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगा रहे होते हो और जब आप उसके आगे की तरफ जाकर कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री महोदय राम मंदिर की शिलान्यास कर रहे होते हैं और वहां पर शिलान्यास के बाद राम मंदिर के स्थापना की पूजा वगैरह कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां ये सब लोग, यहां पर ये भी एक पक्ष, एक दूसरा मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं नाराज कर रहे हैं या उनको एलिनिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू पक्ष को यूनाइट करके अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं पर असलियत में ये डिवीजन है। और यही कारण है इन पॉलिटिशियंस ने दिमाग के अंदर इतना जहर भर दिया कि जब वो पॉलिटिक्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी होती है पॉलिटिक्स, यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट अ पॉलिटिशियन, आप एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। पॉलिटिशियंस अगर आपके घर से आपकी महिलाओं को भी उठा ले जाएगा तब भी उसके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आप ही को पिटाई खानी पड़ेगी, ये लोग इतने गंदे होते हैं, समझे। वो लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं वाली बात है, ये सारे डाकू हैं, बस आपका पंगा किसी गलत से, वो सबको तो नहीं करेगा लेकिन आपका पंगा किसी गलत से नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वामी अलग अलग स्वामी से लेकर बहुत से बीजेपी के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, बताने बहुत सारे नेताओं के अगर आप नाम देखेंगे तो वो नाम किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी मोलेस्टेशन और हर जगह पे जुड़े हुए हैं। रेप केस में कितने हैं खुल के छूट रहे हैं, और एक तो वो कौन सा था, उसने तो अपनी क्या नाम है उस लड़की जिसने रेप के केस के आरोप लगाए थे उसके पूरे परिवार को सड़क एक्सीडेंट से लेकर हर जगह मरवाया, कोई कुछ नहीं कर पाया और सारे सबूत मिटा दिए और ये बेशर्मों की तरह पार्टियां जो थी आराम से बैठी रही। तो सवाल ये है, राजनीतिज्ञों के सामने कोई भी पॉलिटिशियन हुआ, इनके सामने हमारा समाज जो है उसको घुटने टेकने पड़ते हैं। YouTube पे भले ही आप थोड़े से YouTube पे देख लो, YouTube पे जिस दिन कंट्रोल हो गया आपका, आपने थोड़ी सी कुछ चूचपड़ करी आपका अकाउंट सस्पेंड, आप कर ही नहीं सकते कुछ। और खासकर वो लोग तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते जिनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन से लेकर मोड ऑफ इनकम जो है वो यूट्यूब है, तो ये किसी को भी खत्म कर सकते हैं। जब वो क्या नाम है पूना वाला जैसा भाग जाए, नडार पुणे वाला था आई थिंक, पुणे वाला जैसे को अगर छोड़ना पड़ जाए भारत को, चाहे उसके पीछे कुछ भी कारण रहे हो, एक बार को भारत से जाना पड़ गया, उसके पीछे पॉलिटिक्स थी कुछ भी थी, लेकिन कुछ ना कुछ अगर धुआं उठा है तो कहीं तो कोई चिंगारी लगी होगी, बाद में लीपापोती कर दी वो एक अलग मैटर है। तो असलियत में हमारे इन सभी पॉलिटिशियंस ने पिछले 40-50 साल के अंदर हम लोगों के लिए हमारा रिलीजन, अब जैसे एक लड़के की अभी वीडियो आई कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का नागरिक ही नहीं मान रहा, उन जैसे गधे क्यों पैदा हो रहे हैं, वो उन जैसे गधे इसलिए पैदा हो रहे हैं कि भैया हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उसने हमारी राजनीति, हमारे आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे को किसी आदमी का सम्मान नॉलेज के नाम पर, उसके टैलेंट की क्वालिफिकेशन किसी भी नाम पर करने की जगह हम पहले ये देखेंगे कि उसका नाम क्या है, वो हिंदू है या मुसलमान है, फिर ये देखेंगे वो मेरे जैसा बोल रहा है या मेरे उस बात को बोल रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रही। वो सही और गलत चेक नहीं कर रहा, आम आदमी YouTube के ऊपर सही और गलत चेक नहीं कर रहा, आम आदमी सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर रहा है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा है या नहीं है। गौरी ने 17 बार आक्रमण करके, गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था या नहीं हराया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती का चीरहरण किया था या नहीं किया था, अगर वो कहेंगे हां जी पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 17 बार हराया, गौरी को 17 बार हराया,
18वीं बार या 16 बार हराया, 17वीं बार जाकर पृथ्वीराज चौहान हारा और उसके बाद उसने जो शौर्य गाथा गाई, अगर हम ऐसा नहीं बोलते और ये कहते हैं कि केवल दो लड़ाइयां हुई थी तराई की, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम जो एनसीईआरटी या दूसरी किताबें पढ़ के आए हैं वो मूर्ख है। मैं एनसीईआरटी का नाम ले रहा इसलिए रेफरेंस लेता हूं क्योंकि एक सरकारी किताब है और सरकारी किताब के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते आप, मैं ये मानकर चलता हूं। अगर भैया उठा रहे हो तो मुझे दावा करने की जगह एनसीईआरटी का पेज नंबर और लाइन नंबर बता देंगे, जाके उस पर दावा ठोको। मैं इस मामले में तुमसे बहस नहीं कर सकता क्योंकि एक दो राइटर गलत हो सकते हैं, बहुत सारे राइटर्स का ग्रुप गलत नहीं हो सकता, और अगर फिर भी होता है तो भैया हमारे देश का तो बंटाधार होना है फिर पक्का है। और पाकिस्तान बनने वाला है, पाकिस्तान के साथ समस्या क्या है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने सबसे पहले उनको मुगली घुट्टी पिलाई, इस्लाम पार्टीशन कर लिया, फिर उसके बाद मुगली घुट्टी पिलाई कि हम असी पंजाबी हन, वी आर पंजाबी, और ये बंगाली काले पीले क्या है, कौन, ये पाकिस्तानी कहते थे कि ये बंगाली जो है बांग्लादेशियों के बारे में, बंगाली मछली खाने वाले, लुंगी पहनने वाले, पान खाने वाले, क्या है ये, हटाओ इनको, इनमें से प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जो खालिदा जिया शेख हसीना के फादर थे, नाम उनका स्किप कर रहा है अभी आ जाएगा नाम याद, उनको उठाकर जेल में डाल दिया, उनको उठाकर जेल में डाल दिया। अब जब उनको उठाकर जेल में डाल दिया तो यहां से क्यों, क्योंकि रेशिस्ट रेशियल फॉर्म में बटे हुए थे। आसाम के उस लड़के, आसाम के बारे में जो रेशियल कमेंट करने वाला वो यूट्यूबर था, 2% का वो लड़का जिसको नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं है, उसे ये नहीं पता कि ये लोग तो वो चाइना से मिलता है, चाइना के साथ ही होना होगा, ये हमारे तो हो ही नहीं सकती। इस गधे को, ऐसे गधे बहुत सारे हैं, ऐसे गधे, ऐसे जाहिल अनपढ़ गवार जो एक यूट्यूब पे आ गया, सड़क पे चलते फिरते बहुत सारे हैं, जो कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर बहुत बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे कमेंट कसते हैं, फब्तियां कसते हैं, जाहिल अनपढ़ गवार, ऐसे लोग हम लोगों के यहां पैदा हो रखे हैं और हमारे उनको रेशियल सुपीरियरिटी का एहसास करवाने वाले पॉलिटिशियंस हैं, जो जाति अगर होगी तो मेरी जाति ऊंची, धर्म होगा तो मेरा धर्म ऊंचा, गली होगी तो मेरी गली अच्छी, घर होगा तो मेरा घर अच्छा और मेरे घर में मैं सबसे अच्छा, वो सेल्फ सेंट्रिक लोग हैं जो अपने से जुड़ी हुई हर चीज को बेस्ट बताएंगे और दूसरों को कभी चिंकी कहेंगे, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। यकीन मानिए ऐसे ऐसे जाहिल अनपढ़ गवार गधे दिल्ली की सड़कों से लेकर हर जगह आपको घूमते हुए मिलेंगे। एक यूट्यूब पे आ गया, हालांकि उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसमें केस हुआ और जेल ले जाया गया उसको, लेकिन जाहिल नहीं है ये लोग कि हमारे देश को इस तरीके से बांट रहे हैं। और उसको इससे मतलब नहीं है कि हमारा गृह मंत्री और वो जो भी है, वो जो भी गृह राज्य मंत्री वगैरह है, वो इस स्टेट से आए, उसको देश को जोड़ रहे हैं। ये जाहिल अनपढ़ गवार लोगों को सिर्फ अपनी रेशियल, अपनी रिलीजियस सुपीरियरिटी से मतलब होता है कि मैं और मेरे से बड़ी, मेरे से जुड़ी हर चीज बढ़िया है और आप तभी अच्छे होंगे जब आप मेरे जैसी बात करेंगे, वरना यूट्यूब पे होंगे तो गालियां बकूंगा और अगर नहीं तो क्या करूंगा, आपको कम से कम सामने होगे तो सर फोड़ के तो एक बार जाऊंगा। ऐसे जाहिलों की फौज इकट्ठी हो रही है धीरे धीरे भारत में। इस मानसिकता से अगर हमारा देश नहीं लड़ा तो पाकिस्तान के अंदर जो हाल हुए थे वही हाल भारत में होते हुए अगले 20-30 साल में दिखा दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारा जा रहा है, बहुत ही भद्दा है। उसमें दोनों धर्म एक जैसे हैं, एक को तुष्टीकरण के वजह से दबा दिया जाता है और दूसरे को राजनीति की वजह से उठा दिया जाता है। अगर अखलाक मरता है, अगर वो अंसारी मरता है जो खंबे से बांध के मारा गया था, शायद नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है उसका, तो भाई भरत यादव और डॉक्टर पंकज यादव हैं, पंकज नारंग भी मर रहे हैं, लेकिन अपीजमेंट के चलते भरत यादव और पंकज नारंग को उठा के दबा दिया जाता है और दो नामों को उठा लिया जाता है और यहां से फिर पॉलिटिक्स कर लो करके आम जनता को सिर्फ और सिर्फ भड़काया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ विभाजित किया जा रहा है। और अब ये जो आम जनता है, ये एक इंसान की सुनने की जगह सिर्फ ये देख रही है कि ये मेरे जैसा बोल रहा है या नहीं, अगर ये मेरे जैसा नहीं बोल रहा तो ये मेरा दुश्मन है, मैं इसका सर तोड़ सकता हूं, इस पे मुकदमा कर सकता हूं, इसे मार सकता हूं, मैं इसे पीट सकता हूं, मैं इसका कत्ल भी कर सकता हूं या कम से कम गालियां तो बक ही सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब ये गोरक्षक दल टाइप के हुए और दूसरी तरफ भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही होती हैं सारे के सारे, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिन के बाद इन लोगों को हथियार अवेलेबल हो जाए और भारत जो है वो जंग का मैदान बनता हुआ नजर आ जाए,
ये एक तरीके का जंग का मैदान ही है, जो एक सड़क पे गाय जो है, एक सड़क पे खड़ी गाय जो है उसके नाम पर, या एक एक गाय के नाम पर एक इंसान का कत्ल कर सकता है और दूसरे वाला सहिष्णु का, दूसरे वाला भाईचारे के नाम पर उस एक जानवर को खाना नहीं छोड़ सकता। और पहले वाला जो गोरक्षक है, मतलब दोनों की कमी है, गोरक्षक है सांप, गोरक्षक एक मुसलमान को इसलिए मार सकता है कि उसने गाय काटी, और जो मुसलमान है वो उस गाय को खाना नहीं छोड़ सकता कि यार कोई बात नहीं, हम हिंदू भाइयों के लिए इस एक जानवर को नहीं खाएंगे, दुनिया के बतेरे ऐसे जानवर है जिन्हें खाएंगे। दोनों में कमियां हैं। सोच कर देखिए, अगर एक बार मुस्लिम संगठन खड़ा होकर, एक बार सारे के सारे मुस्लिम्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर, सारे धर्मगुरु खड़े होकर ये कह दें, आज से हम कसम खाते हैं कि अपने हिंदू भाइयों का ध्यान रखते हुए इन किसी भी जगह पर गाय नहीं खाएंगे, आज से हम कसम खा रहे हैं, एक बार अगर ये लोग कह दें तो सारे के सारे गौरक्षक दल से लेकर जितना भी है सारा खत्म हो जाएगा, और सहिष्णुता और भाईचारा बढ़ेगा, वो अलग, वो नहीं कहने वाले। और ये एक पशु के नाम पर, चाहे वो माता माने चाहे कुछ भी, और भैया अगर माता मानते हो तो घर ले जाओ, माता मानते हो तो घर ले जाओ। आगरा से ग्वालियर वाले रूट के ऊपर मैं कितनी बार ड्राइव करता हूं, आगरा से ग्वालियर वाले रूट पर जब मैं ड्राइव करता हूं तो उस रोड पर गाड़ी चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि उस रोड पर इतनी गायें मिलती हैं, और शायद कोई दिन ऐसा जाए जब उस रोड पर कोई गायें घायल ना मिले। अगर आपने गाय को चोट मार दी तो ये सारे जाहिल अनपढ़ गवार जितने गोरक्षक हैं, ये आपके ऊपर टूट पड़ेंगे कि इस गाय का खर्चा देके जाओ। अबे इसे सड़क पे क्यों खड़ा कर रखा था ना, अपने घर लेके जा, अपने बेडरूम में बिठा उसको, पूजा कर, हमें मतलब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इन जाहिल अनपढ़ गवारों की है, जिन्होंने गाय को माता नाम देने के बाद उसे सड़क पे छोड़ रखा है, चाहे वो कूड़ा खाए, चाहे वो कचरा खाए, चाहे वो सड़ी हुई चीजें खाए, चाहे कुछ भी खाए। अबे माता है तो घर में रख, और दूसरे वाला जो है वो इस चीज पर आ हुआ है, मैं तो मार के खाऊंगा। दोनों जाहिल अनपढ़ गवार हैं, और ये जाहिलों की फौज हमारे पॉलिटिशियंस ने कवर कर रखी, क्योंकि इन्हें तुम्हारी सीरत का पता है, इन्हें ये पता है कि कैसे एक आम आदमी से आम आदमी क्या सोच रहा है। और मैं सिर्फ वही बोलूंगा, अगर मैं टोपी नहीं पहनूंगा तो किसको क्या मैसेज जाएगा, मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। एक आदमी ऐसा जिसे टोपी ना पहनने पर वोट बैंक बढ़ता है, दूसरा है जिसको टोपी पहनने पर वोट बैंक बढ़ता है। तो जो टोपी पहन के बैठेगा उसका अगर वोट बैंक बढ़ रहा है तो वो टोपी पहन रहा है, और उसको खुश करा के देख मैं तेरे जैसा हूं, तेरी बात मान रहा हूं। इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इसका टोपी पहनने वाले नेताओं का नेगेटिव इंपैक्ट यह जाता है कि आम आदमी अब हर आदमी के अंदर उस नेता जैसा ढूंढ रहा होता है कि जैसे मेरा नेता मुझे खुश करके गया, ऐसे क्या ये जो टीवी पे बोलने वाला है या यूट्यूब पे बोलने वाला है, एक गंजा सा इंसान खड़ा हुआ है, क्या वो मुझे पसंद आने वाली बात बोलेगा? नहीं तो मैं तुम्हारे को गालियां बकूंगा, मैं कसम खाऊंगा कि हो सकता है तुम मेरे को सड़क पे मिलो तो मैं मारूं। ऐसे जाहिलों की अगर फौज इकट्ठी हो रखी है हर जगह पर तो उसका क्या किया जा सकता है। खान सर का नाम कुछ भी हो यार, व्हाट्स इन द नेम, लेकिन प्रॉब्लम यह है तुम लोग इस लायक हो, ये जो यूट्यूबर जो इशू क्रिएट करने वाले हैं और मुसलमान और हिंदू के नाम पे बात करने वाले हैं, ये जाहिलों की ऐसी फौज है जो असलियत में इंसान ने जो नॉलेज दी उसको, नॉलेज को गेन करने से पहले वो ये देखना चाहेंगे कि वो हिंदू है मुसलमान है और वो मेरे जैसी बात कर रहा है या नहीं। अगर वो मेरे जैसी बात नहीं करेगा तो आई एम फ्री टू किल हिम, डिसलाइक विसलाइक तो करूंगा ही करूंगा। कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट इसीलिए होती है। एकदम से जब अमित सिंह नाम आया तो एकदम, उसमें मुस्लिम समाज भी पीछे नहीं है, खान सर की बहुत सारी बातें ऐसी देखी जिसके अंदर वो सीता माता के बारे में बात कर रहे हैं, जय हिंद कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, और एक इशू जिसमें वो पंचर वाला कह रहे हैं, हालांकि पंचर वाला पूरी कम्युनिटी को कहना गलत बात है, और खासकर पाकिस्तान के, पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जहां तक मुझे समझ में आया उन्होंने पंचर वाला कम्युनिटी पाकिस्तान के प्रधान पाकिस्तानियों को कहा था। अब पाकिस्तानियों को अगर पंचर वाला कहा था तो उसके बारे में अपने विचार है और मैं उसमें कोई विरोध नहीं कर सकता कि ठीक है, मैं तो इससे बुरा कह देता हूं, पाकिस्तानी हैं इस लायक, जो देश, क्योंकि उनका इंप्रेशन उनकी एक्टिविटीज से, उनके देश से बाहर निकलने वाले लोगों से पड़ रहा है तो वो हैं इस लायक। लेकिन जब उन्होंने पंचर वाला कहा तो असलियत में एक समाज,
मतलब मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह करने पे तुल गया, क्योंकि उन्होंने दो चार बार हलाला और ट्रिपल तलाक के मामले में भी जो वीडियो बनाई थी उस मामले में भी कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर दिया था इन प्रथाओं को, इन प्रथाओं के बारे में। तो उनके ऊपर एफआईआर वगैरह मेरे ख्याल से कुछ हुई है या फिर कुछ ऐसा केस हुआ है या उनके खिलाफ कुछ मामला आया है। यार खुद सोच कर देखिए, तो अगर आपको पहली बात तो वो मामला या पंचर वाला आपके बारे में कहा नहीं गया, फिर भी अगर आपके बारे में कहा और आपको बुरा लगा तो बुरा इस चीज़ का नहीं लगना चाहिए कि हम में से किसी एक भाई ने, किसी टीचर ने या किसी ने पंचर वाला कह दिया। बुरा इसलिए कहना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी की ये जो पहचान है ये क्यों बनी, सोच कर देखिए आपकी कम्युनिटी की ये जो पहचान है इस पहचान के लिए कौन जिम्मेदार है। सरकारी नौकरियों में 4% से कम का आरक्षण, कम रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स का है। सरकारी नौकरियों में 4% से भी कम का रिप्रेजेंटेशन अगर मुस्लिमों का है तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि सरकारी एग्जाम जो है, सरकारी जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो कोई भी हिंदी या किसी ऐसी भाषा में ना होकर इंग्लिश में होता है। इंग्लिश ना हिंदू की भाषा ना मुसलमान की भाषा, और आपने पढ़ा रखा है ना तो हिंदी ढंग से पढ़ा रखी, ना उर्दू ढंग से पढ़ा रखी, ना इंग्लिश को तो भूल ही जाओ, ना कंप्यूटर सिखाए। नतीजा क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन होगा ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन जल्दी से मिलेगा नहीं। 4% मुस्लिम्स हैं, उसके बाद कहेंगे हमें आरक्षण चाहिए। भैया आरक्षण के लिए एग्जाम तो क्रैक करना पड़ेगा ना, और वो एग्जाम क्रैक करने के लिए किसको फायदा होगा? वो एग्जाम सिर्फ उसी को फायदा होगा क्रैक करने का जिसे इंग्लिश आती होगी, मॉडर्न एजुकेशन आती होगी। तो सवाल उन लोगों से भी है जो आज के दिन खान सर से चिढ़े हुए हैं, मुस्लिम खान सर, मुस्लिम लोग खान सर से चिढ़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पंचर वाला बोला, तो अगर उन्होंने पंचर वाला बोला तो पहले उस मामले को समझिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पहचान को बनाने में किसका सबसे मेन रोल है या किसका इंपॉर्टेंट रोल है, किसका इंपॉर्टेंट रोल है? शर्म उन लोगों को आनी चाहिए कि 70 साल के अंदर सारी दुनिया अगर आगे बढ़ रही है, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट आगे बढ़ रहा है, तब भी एक जनरल मुसलमान का लड़का जो है वो इस तरीके का काम करता हुआ ही नजर क्यों आ रहा है? मैं आपको रफ एस्टिमेट देता हूं। हमारे यहां एरिया के अंदर फटफट सेवा चलती है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस चीज को, दिल्ली के अंदर फटफट सेवा चलती है और मैं हर किसी से बात करने में इंटरेस्टेड रहता हूं। तो मैं एक बार फटफट सेवा के अंदर बैठा, मैंने देखा नाम जो है वो किसी गाड़ी, वो एक किसी हिंदू की थी, उस पर जय श्री राम वगैरह टाइप में लिखा हुआ था। मैंने उसका नाम पूछा, कहता भाई साहब, उसका नाम था शादाब। मैंने कहा शादाब भाई, अच्छा ये बताओ कि ये रूट कितने मिनट का है? कहता साहब ईमानदारी से बताएं तो 15 मिनट में पूरा रूट, 20 मिनट में जाना और 20 मिनट में आना हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, सवारी भरने के साथ का। अच्छा मैंने कहा इसमें कितने फटफट सेवा चलती होंगी? कहता सर गिन, कितने का क्या मतलब है, 220 टोटल चलती हैं, 220 टोटल चलती हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसमें कितनी ऐसी होंगी जिनके मालिक हिंदू होंगे? कहता सर 80%, 80% फटफट सेवा हिंदुओं की है, 80% लाइसेंस जो है वो हिंदुओं के हैं। शुरू में वो लोग चलाते थे लेकिन अब उनके बच्चे नहीं चलाते। कहता जब ये ऑटो चली और वो फटफट पुराने वाली फटफट सेवा चलती थी तब से उनके लाइसेंस थे, वही रिन्यू होते जा रहे हैं, उन्होंने नई ले ली और सब आगे करवा लिए, अब उनके बच्चों ने चलाना बंद कर दिया, अब वो बूढ़े हो गए तो हम उसके उनकी ऑटो चला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये कितनी ऑटोज ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम ड्राइवर होंगे? मेरे को दिमाग हिल गया। कहता 85% ड्राइवर्स मुस्लिम्स हैं। कहता सर 100 में से 85 मुस्लिम होंगे, सारे तो मुस्लिम हैं, हिंदू तो दो चार ही दिखाई देंगे जो गांव देहात से आए हैं। कहता जो गांव देहात से आए हैं सिर्फ वो ड्राइवर हिंदू हैं, बाकी सारे के सारे एक भी हिंदू नहीं है। ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। फल सब्जियों के काम के अंदर देख लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर आप जाके देखेंगे वहां मुसलमान नहीं मिलेगा। व्यापारियों की जमात में देख लेंगे वहां ज्यादा सा मुस्लिम्स नहीं मिलेंगे, कुछ प्रोफेशंस में हैं लेकिन। तो असलियत में ऐसे काम में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर पंचर वाले काम से अगर कोई चिढ़ा है तो आपकी नजर में वो काम छोटा है। अगर आपको किसी ने पंचर वाला कहा और आप चिढ़ गए, इसका मतलब उसने तो कहा किसी भी मंशा से, उसकी मंशा में तो शक है ही है, लेकिन आपकी मंशा में भी शक है कि आपने भी तो उस काम को छोटा माना, तभी तो आप चिढ़ गए।
और जब आप चिढ़ गए तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है, आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है, इतना बड़ा समाज जो है, वो उसको पंचर वाले के नाम से अगर जाना जा रहा है तो तुम्हें शर्म किसको आनी चाहिए, इस जमात के सरमाएदारों को या कहने वाले को? कहने वाले खान साहब को रोक लोगे तो कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरा कहेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आके कहेगा, तीसरा नहीं तो चौथा कहेगा। उसके अपलिफ्टमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, उसकी बढ़ोतरी की तरक्की की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो आपके हुक्मरानों की या आपके बड़े नेताओं की है ना, जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं किसी भी नाम पर। इस चीज को जिस दिन आप समझ जाएंगे आप बहुत बढ़िया कामयाब हो जाएंगे। लेकिन भारत की समस्या ये है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारत जो है वो पाकिस्तान बनता जा रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि हम लोग नॉलेज, क्वालिटी, टैलेंट, इन सब चीजों को नहीं जानते। हम इसके बिहाफ पर किसी की क्वालिटी को जज नहीं कर रहे, हमारी मेजर कम्युनिटी इन बातों के ऊपर जज कर रही है। और खान सर की जो कंट्रोवर्सी है वो खान सर की इसलिए क्योंकि कल को मेरे साथ हो सकती है। खान सर की जो कंट्रोवर्सी है वो असलियत में हमारे समाज के अंदर एक पनप रही घटिया मानसिकता का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। हमारे समाज में पनप रही घटिया गिरी हुई थर्ड क्लास मानसिकता का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, और यही रिप्रेजेंटेशन जो है आपको समस्या क्रिएट करेगा। पाकिस्तान में भी तो यही है यार। सबसे पहले उन्होंने अहमदियाओं को मारा, क्योंकि अहमदिया जो है वो ये मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद आखिरी पैगंबर नहीं थे, उनके बाद भी पैगंबर आएंगे। अब इसलिए उनको गैर मुस्लिम घोषित किया गया और मारा गया। आज के दिन पाकिस्तान की सबसे बुरी हालत इसलिए है क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंशिया था, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंट और स्कॉलर वर्ग था, पढ़ा लिखा समझदार और सबसे बढ़िया वर्ग था, वो अहमदिया था। उनको उनके क्वालिफिकेशन का सम्मान ना कि नहीं किया गया, बल्कि उनको क्वालिफिकेशन की जगह उनको सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो इस्लाम के उस स्वरूप को नहीं मानते थे जिसको बाकी सारे मानते थे। चुन चुन के मारा गया। सोच कर देखिए, अहमदिया किसी टाइम पर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी पोस्ट पर अहमदिया बैठे हुए थे, और जियाउल हक के आने के बाद चुन चुन के इनको ऐसा मारा गया कि पूरा खत्म हो गया। आज के दिन सारे अहमदिया पाकिस्तान से बाहर है। इनके पास टैलेंट पूल खत्म हो गया। इनके पास जैसे ही वो टैलेंट पूल खत्म हुआ, पूरी की पूरी कम्युनिटी बाहर हो गई, पढ़ने लिखने वाली, इंटेलिजेंस वाली, तो नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान जाहिलों का देश बन चुका है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान जाहिलों का देश है। अनपढ़ गवार थर्ड क्लास लोग हैं। अपनी मिसाइलें, अपनी बनाई हुई मिसाइलें अपनी छत पर गिर रही होती हैं इनकी, दूसरे के भी तो जाएंगी जाएगी पता नहीं। तो हमास में और इनमें फर्क क्या रह गया? हमास की भी तो मैक्सिमम मिसाइलें अपनी छत पे गिर जाती हैं, समझे? हमास की मैक्सिमम मिसाइलें हमास के ऊपर गिर रही थी, पाकिस्तानियों की टेस्ट फायर वाली मिसाइलें पाकिस्तान पे गिर रही थी। अब क्या मतलब है भाई? तो भारत भी ऐसा ही बन जाएगा जब आप किसी को, किसी भी टैलेंट को, किसी भी व्यक्ति को उसकी ज्ञान के नाम पर परखने की जगह, ज्ञान के नाम पर उसका सम्मान देने की जगह सिर्फ इसलिए मान सम्मान या कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे कि वो हिंदू है या मुसलमान। जाहिल हो अगर आप ऐसा सोचते हो, जाहिल हैं आप। ज्ञान का कोई धर्म नहीं है, ज्ञान का सिर्फ एक पहचान है कि वो ज्ञान है। और मजे की बात, ज्ञान दिया नहीं जा सकता। अबे जाहिलो, तुम अगर चाहोगे, जाहिल वो हिंदू भी मुसलमान भी है, तुम चाहोगे तो ही वो ज्ञान अर्पण होगा। और अहंकार और अंधविश्वास आपके जो बुद्धि है ना, इसके दरवाजे बंद कर देता है। और बुद्धि के दरवाजे बंद होने के बाद, वो अहंकार और अंधविश्वास जब बुद्धि के दरवाजे बंद करेगा, तो बुद्धि के दरवाजे बंद होने के बाद जो अंदर बचा हुआ है वो सड़ने लग जाता है, और सड़ा हुआ चीजें बदबू पैदा करती हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं, सड़कों पर एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। और जब आप सड़कों पर एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं तो पाकिस्तानी बनने जा रहे हो तुम, और क्या करने जा रहे हो? मारो, करते रहो, क्या हुआ? कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या होगा? जितना तुम्हारा, जैसे पाकिस्तान का इंटेलिजेंसी और स्कॉलर चला गए, तुम्हारे जो स्कॉलर्स हैं वो स्किप कर जाएंगे, यहां से कहीं ना कहीं माइग्रेट कर जाएंगे। बैठे रहना फिर, तुम जो भी करना हो कर लेना, फिर कुछ थोड़ा होने वाला है, फिर तो बर्बादी है। इसलिए समझो, अपनी अकल के दरवाजे खोलो, सोच समझ के कुछ बोलो। नाम में किसी के में कुछ नहीं रखा हुआ। मेरा नाम अगर हरिमोहन है, उसकी जगह मेरा नाम अगर इमरान खान या कुछ भी होता, तो मेरे नाम की जगह मेरे वीडियो के टैलेंट की कदर होनी चाहिए थी।
समझे, मैं नेशनलिस्टिक हूं, नेशनलिस्ट अप्रोच रखता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नेशनलिस्ट अगर कोई गलत करेगा तो गलत और सही करेगा सही। मैं नेशन के पक्ष में हूं इसलिए नेशनलिस्ट हूं, मैं रिलीजियस नेशनलिज्म के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, मैं धार्मिक राष्ट्रवाद के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। और इस समय जो भारत में डोमिनेट कर रहा है वो रिलीजियस नेशनलिज्म और एंटी रिलीजियस नेशनलिज्म डोमिनेट कर रहा है। और यह कॉम्युनल नेशनलिज्म कहो या कॉम्युनल डिवीजन कहो, वो डोमिनेट कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। रिलीजियस नेशनलिज्म का मतलब यह है कि एक धर्म वाले ही राष्ट्रवादी हैं, दूसरे धर्म वाले राष्ट्रवादी नहीं है या हो नहीं सकते, और ऐसा मानने वाले देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। धन्यवाद।